इंजीनियरिंग ड्राइंग ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एएलपी या टेक्नीशियन का सीवीटी 2 जो होने वाला है उसका स्टेज ए एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। यह टॉपिक एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टेज ए जो है दोनों का समान होगा। बाकी सब तो आपके प्रीलिम्स जो थे उसी के तरह रहेंगे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग इसमें आपको सीवीटी 2 में। तो यहाँ पे आपको अगर सिलेबस देखें तो यहाँ पे आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट करके कोई सिलेबस होगा सीवीटी 2 में, तो उसी में से आज मैं लेके आया हूँ इक्विपमेंट एंड मटेरियल, या कह सकते हैं आप उस इंस्ट्रूमेंट जो है चैप्टर उसी का दूसरा नाम है इक्विपमेंट एंड मटेरियल। इसका यहाँ पे आज मैं आपके सामने थ्योरेटिकल पार्ट करवाने वाला हूँ जो कि आपके सामने लिखा हुआ है इक्विपमेंट एंड मटेरियल। तो इक्विपमेंट एंड मटेरियल का मतलब हो गया ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग करने के लिए जो जो इक्विपमेंट एंड मटेरियल लगते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे जानना है। तो सबसे पहला मटेरियल जो रिक्वायर्ड होगा वह तो ड्राइंग सीट होगा, यानी जिस पर आप ड्राइंग करेंगे। यह लगभग 5 साइज का अवेलेबल होता है जिसमें कि आप A4 के बारे में बहुत ज़्यादा सुने होंगे, और इन सब का साइज जो है अलग अलग होता है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर आप देखें तो A0, A1, A2, A3, A4 और एक A5, यह जो है डिफरेंट डायमेंशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे साइज के ड्राइंग सीट के। A0 जो होता है उसका साइज 841x1189 होता है। यहाँ पे आपको बस A0 का याद रखना है 841x1189, बाकी अगर 841 को आपको जो है 841 को यहाँ पे जैसे कि लेफ्ट साइड लिखा हुआ है तो उसको A1 का आपका निकालना है तो उसको राइट साइड लिख दें और 1189 का हाफ करके 594 यहाँ लिख दें। इसके बाद 594 को A2 का अगर आपको निकालना है तो A1 का आपका पता चल गया, अगर आपको A0 का याद है तो A1 का आपको अपने आप पता चल जाएगा, और A1 का पता चल गया तो A2 का भी आपको पता चल जाएगा। A1 का जो है लेफ्ट साइड में 594 लिखा हुआ है तो उसको राइट साइड में यहाँ 594 लिख देना, और अगर 841 का आप हाफ़ करें तो 420.5 के आसपास आएगा, आपको वो पॉइंट को इग्नोर कर देना और डायरेक्ट लिखते जाना है। इसी तरह से आपको जो है A3 का निकालना है, A2 का आपको पता चल गया 420x594, तो 420 को आपको राइट साइड में लिख देना और ये 594 को हाफ़ कर देना है 297 point something, यहाँ पे 297 ही होगा। इसी तरह से आपको सारे में कर लेना है 297 इधर और 420 को हाफ़ कर देना है 210 हो जाएगा। अब आपके सामने और एक क्वेश्चन रहेगा कि इसके डायमेंशन जो होते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, ये जो है इसका रेशियो क्या होता है। तो इसका रेशियो जो है 1:2 होता है, 1:√2 आपको ये याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके ड्राइंग सीट का जो है लेंथ इनटू ब्रेथ का रेशियो क्या होता है, तो 1:√2। अब बात कर लेते हैं हम एरिया की, तो आपको और किसी के पेपर के एरिया पूछे या ना पूछे A0 का पूछने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, तो A0 का आपको याद कर लेना है 1 m². अब हम चलते हैं पेंसिल की तरफ जो कि हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। पेंसिल जो है कुल 18 तरह के होते हैं, पेंसिल के जो है 18 टाइप होते हैं। इन 18 टाइप को 3 भागों में बांटा गया है, हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड। हार्ड ग्रेड पेंसिल, मीडियम ग्रेड पेंसिल, सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल, इन ये तीनों जो हैं बराबर हैं, 18 पेंसिल होते हैं, तीनों को बराबर बराबर बांटा गया, 6 6 6, तीनों 6 6 होते हैं। अब आपको सबसे ये पता ये रखना है कि सबसे हार्ड ग्रेड पेंसिल कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है 9H। सबसे सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल कौन सा होता है, 7B। अब इसके अलावा यहाँ से और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि आपको पूछ देगा कि HB कौन से ग्रेड में आता है, मीडियम ग्रेड, या फिर 4B कौन से ग्रेड में आता है, सॉफ्ट ग्रेड, या फिर 7H कौन से ग्रेड में आता है, हार्ड ग्रेड। तो अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो आपको बस ये याद रखना है सबसे हार्ड ग्रेड कौन था, 9H, और इसमें से एक घटाते जाना 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, तब तक जब तक कि 6 ना हो जाए, क्योंकि आपको तो ये पता है ये 6 ही होंगे। इसके बाद 4H के बाद अब देख लिया आपने 6 हो गया, तो अब यहाँ से आपको मीडियम ग्रेड में आ जाना है, 3H, 2H, 1H, अब 0H तो होगा नहीं, तो यहाँ से HB आ जाता है, HB। अब HB को H हटा देना है, यहाँ पे B हो जाएगा। उसके बाद आपको ये एक स्पेशल याद रखना है, क्योंकि B0 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे एक F आ जाएगा, तो यहाँ पे F ये स्पेशली याद रखना है कि F जो है मीडियम ग्रेड पेंसिल होता है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे पढ़ रखा था कि 7B सबसे सॉफ्ट ग्रेड होता है,
तो इसमें भी सिक्स पेंसिल होते हैं, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, तो ये भी सिक्स टोटल नंबर हो गए। तो आपको पेंसिल्स में से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे हार्ड ग्रेड पेंसिल पूछ सकता है जो कि 9H होता है, सबसे सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल पूछ सकता है जो कि 7B हो सकता है, या फिर आपके पेंसिल के कुल कितने टाइप होते हैं तो वो 18 होते हैं। और एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे देगा, हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड और कोई एक दे देगा, तो ये पूछ लेगा यहाँ पे कि इनमें से कौन सा ग्रेड जो है वह पेंसिल का नहीं होता है। इसके अलावा इसमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है कि 7H कौन सा ग्रेड में आता है, 2H कौन सा ग्रेड में आता है, या फिर HB कौन सा ग्रेड में आता है, तो आपको ये सब ध्यान से देख लेना है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे याद कर लें। याद करने के लिए आपको इसे अपने कॉपी में नोट कर लेना है, जो कि आप पॉज करके कर सकते हैं। आप इसे पॉज कर लें और इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। यहाँ पे आपसे HB का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जो कि हार्ड बोर्ड होता है, ना कि हैवी ब्लैक होता है, जो कि आपने बचपन से पढ़ रखा है, कहीं पे भी आप हैवी ब्लैक देखते हो और उसे टिक कर देते हो। यहाँ पर आपको हार्ड बोर्ड टिक करना है, क्योंकि ये ITI का है तो इसका स्पेशली सब कुछ अलग होता है, तो आपको याद रखना है कि HB का हार्ड बोर्ड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने तीसरे इंस्ट्रूमेंट की, जो कि T² है। T² का यूज़ क्या होता है? T² का यूज़ किया जाता है हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन खींचने के लिए। इससे वर्टिकल पैरेलल लाइन नहीं खींचा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इससे वर्टिकल पैरेलल लाइन क्यों नहीं खींचा जा सकता है। यहाँ पर आपको तीन चार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं T² से। सबसे पहला तो T² का यूज़ क्या होता है? T² का यूज होता है कि आपको इससे हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन बना सकते हैं। दूसरा ये कि इससे वर्टिकल पैरेलल लाइन नहीं बनाया जा सकता, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। आपको T² में हो सकता है कि इसका फ़ोटो दे दे, आपसे पूछ ले कि ब्लेड कौन सा है, वर्किंग एज कौन सा है, हेड या स्ट्रोक कौन सा है, तो आपको यहाँ से वो याद रख लेना है कि कौन सा ब्लेड हो जाएगा, कौन सा वर्किंग एज हो जाएगा, कौन सा हेड स्ट्रोक हो जाएगा, हेड या स्ट्रोक। T² बाज़ार में चार वेरिएंट में अवेलेबल है, जो कि आपको याद रखना है कौन कौन सा। तो एक T0, T1, T2, T3। यहाँ पे T3 500 होगा, ना कि 50, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है 50। आपको ये ब्लेड लेंथ याद कर लेना है, 1500, 1700 और 500, ये डिफरेंट ब्लेड लेंथ में अवेलेबल हैं। T² का यूज मैंने पहले ही बता दिया था, ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींचने के लिए किया जाता है। T² का कुछ आपको ये 2D अगर फिगर एग्जाम में रहे तो वो कुछ इस तरह का होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे इंस्ट्रूमेंट, जो कि ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर ये T² जो है, यहाँ पर एक लाइन होती है या फिर कहें कि एक कट बनाई होती है, जिसमें कि T² लगा के आप उसे ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। इस कट को जो है एवोनी बोला जाता है। एवोनी के यूज़ से T² को यहाँ पे फंसाया जाता है, और इसको जब ऊपर नीचे किया जाता है तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींची जा सकती है उससे। इसी कारण से यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींची नहीं जा सकती, क्योंकि एवनी जो है बोर्ड के बस और बस लेफ्ट साइड में होता है, ना कि अप या डाउन साइड में, तो इस कारण से यहाँ पे वर्टिकल लाइन नहीं खींची जा सकती। अब ड्राइंग बोर्ड से आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राइंग बोर्ड के वुड के बारे में पूछा जा सकता है। तो वो जो है वाइट पाइन फर या ओक जो है इसका इस्तेमाल होता है वुड के लिए। ये इसका फ्रंट व्यू है और ये बॉटम व्यू है। बॉटम व्यू में आपको ये फिगर दे सकता है और पूछ सकता है कि इसे क्या बोला जाता है। यहाँ पे आप ये बैटन्स देख पा रहे हैं, ये बैटन्स यही पूछा जा सकता है, इसे क्या बोला जा सकता है, तो आप इसे बैटन्स लिख देंगे। यहाँ पे एवनी एज है, वर्किंग एज है, और ये बॉटम पार्ट है। यहाँ पे ये लंबी लंबी जो आप देख रहे हैं पट्टियाँ, ये वाइट पाइन फर या ओक की बनी होती है, जिसे हम स्ट्रिप कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड डिफरेंट साइज में अवेलेबल है, जो कि D0, D1, D2, D3 हैं। आपको इसे याद रखने का तरीका है, मैंने पहले ही बताया था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लेड का लेंथ 1500, 1700 और 500 है। तो ये ब्लेड का लेंथ से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, 1500, 1700, 500। तो आपको D0 जो हो जाएगा 1500 × 1000, और उसके बाद D1 जो हो जाएगा 1000 × 700, और D2 700 × 500, D3 500 × 350। आपको बस ये 350 याद रखना है, D0 होगा तो आपको 1500 × 1000 कर देना है। यहाँ पे ये 25 25 15 15 ये याद रख लेना है एक साइड से।
पच्चीस पच्चीस पंद्रह पंद्रह, इसके यहाँ पे वन जो है ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। अब जो वुड का यूज होता है वो वुड किस तरह का होता है, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, तो वुड ऐसा होना चाहिए ड्राइंग बोर्ड का जिसपे कि वेदर का इफेक्ट ना पड़े, वो सॉफ्ट हो और उसमें फ्री ऑफ नोड हो, उसमें नोड्स नहीं होने चाहिए, मतलब कि गांठ नहीं होने चाहिए उसमें। अब हम अपने अगले टॉपिक में पेंसिल्स की बात करेंगे, तो आपको जब मैं अगला टॉपिक अपना अपलोड करूँ वीडियो तो वो आपको जल्दी से मिल सके, इसलिए जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।